हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आया हूँ IARI पूसा में, और ये जगह बहुत ही अलग स्टैंड करती है पूरे दिल्ली से। सो आप लोग पूछोगे मुझसे कि व्हाई दिस प्लेस इज सो एक्सेप्शनल। सो दिस प्लेस इज सो एक्सेप्शनल बिकॉज इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, और यहाँ पर बहुत सी अलग फार्मिंग साइट्स हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ की खेती होती है, और इफ़ यू विजिट हियर यू विल फाइंड आउट दैट यहाँ पे 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन टू द सिटी। सो आइए इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं साथ में, और इसकी कुछ और डिटेल्स को जानते हैं थ्रू आउट दिस ब्लॉग। तो ये है कैंटीन यहाँ की, और आप लोगों को कुछ डिटेल्स बता सकता हूँ पूसा के बारे में कि पूसा फॉर्म हुआ था 1905 में, है ना, 117 ईयर्स अगो, और इसका मेन मोटिव था एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देना, और ये ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा एक पार्ट था क्योंकि 1970s में आया, है ना, और ये रिफॉर्म किया गया दिल्ली में, और ये इस टाइम राजेंद्र प्लेस स्टेशन के पास पड़ता है। यू कैन ऑलवेज विजिट हियर। ओके, सो गाइस, ये है पूसा का इंटरनेशनल हॉस्टल। देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना अच्छा बना है, और अभी रिसेंटली ये हॉस्टल बना है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये है डिस्कवरी सेंटर, जिसमें कि कई तरह की लैब्स हैं, सच एज रिमोट सेंसिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स लैब, और इसे इनॉग्रेट किया गया था हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने इन द ईयर अप्रैल 2021। और यहाँ पे अलग अलग तरह की डिस्कवरीज होती रहती हैं, और स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप लोग, फार्मिंग साइट है, एंड सरसों के फार्मिंग भी पड़ी हुई हैं, एंड ऑल्सो यहाँ सोलर पैनल्स लगे हैं जो टूट चुके हैं कम्प्लीटली, और ये आपका सनसेट। तो फाइनली गाइस, घूमते घूमते भटकते भटकते घर पहुँचते हैं, और यहाँ पे सारे होटल्स हैं जिसमें
अंकल का भी एक क्वार्टर है, तो ब्लॉग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ने सब कुछ देख ही लिया है, बस फार्मिंग वाले पार्ट्स पर विल कवर डेट आउट शॉर्टली इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।